हाय फोक्स, आप सब कैसे हो। अगर आप एक बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड में बहुत अच्छी प्रोफाइल की जॉब ढूंढ रहे थे जहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम मिले एंड अच्छी सैलरी मिले, लाइक 30,000 पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में आते रहें, तो ये जॉब आपके लिए ही है। तो स्टे ट्यून एंड यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोफाइल में बताने वाली हूँ एंड सारा मैं एक्सप्लेन करूँगी कि जॉब एग्जैक्टली क्या है, सैलरी कितनी है एंड आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो इट विल बी ए शॉर्ट वीडियो, वॉच इट फुल एंड अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब टू गमी कीर्ति, लाइक एंड कमेंट। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि ये कंपनी कौन सी है जो हायर कर रही है इतनी अच्छी प्रोफाइल। तो ये है वेदांतु। आपको पता है वेदांतु एक एड्यूटेक कंपनी है जो कि ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराती है बच्चों को। तो ये हायर कर रहे हैं एकेडमिक काउंसलर की। ठीक है, ये सेल्स वाला ही काम है, जो एग्जैक्ट काम है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि वेदांतु में हायर होने के लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं लाइन में लगे रहते हैं एंड आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि अभी हायर कर रहा है वेदांतु और बाद में कुछ टाइम बाद हायर नहीं करेगा, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा टाइम हो गया है अपडेट हुए, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अप्लाई कर दो। जो लिंक दिया है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे रजिस्टर कर दो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। ठीक है, एंड एप्लीकेशन भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। ठीक है, वेदांतु से आपको कॉल आएगी एंड आपको अपना इंटरव्यू स्किल वहाँ पे दिखाना है। अब मैं बता देती हूँ एग्जैक्टली काम क्या है यहाँ पे। ठीक है, जो काम है वो आपको कॉल्स उठानी है। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स को एंड स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कन्विंस करना है वेदांतु की ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। ठीक है, तो वेदांतु जो है बहुत अच्छे अच्छे ऑफर देता रहता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको कन्विंस करने में दिक्कत नहीं होएगी, ये ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, जो अदर एडिटेक कंपनी है उससे कंपैरिजन करें तो वेदांतु में आपका सिलेक्ट होना एज अ कैंडिडेट एकेडमिक काउंसलर के लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर देना। एंड मैं आगे बताती हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होंगी स्टूडेंट्स के साथ एंड उनके पेरेंट्स के साथ। ठीक है, एंड उनको डेमो सेशन देने होंगे ताकि उन्हें पता चले कि वेदांतु कैसे अलग है दूसरी एडिटेक कंपनी से जो कि सेम चीज़ प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, आपको कस्टमर प्रोफाइल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कस्टमर का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट के पेरेंट का बैकग्राउंड क्या है, कितना पैसा दे सकते हैं। ठीक है, कैसे कन्विंस हो सकते हैं, तो ये आप की जॉब का एक पार्ट होगा। और फिर आपको नेगोशिएशन भी हैंडल करने आने चाहिए, पेरेंट्स आपके साथ कितना नेगोशिएट कर लें वो आपको पता होना चाहिए कितना कोट करना है एक पेरेंट को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड बैकग्राउंड, पेरेंट का बैकग्राउंड समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, वेदांतु के जो प्रोडक्ट है तो आप सेल करोगे स्टूडेंट्स को एंड स्टूडेंट्स के पेरेंट को, वो आपको पता होने चाहिए। सेल्स स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड लिस्टिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तब तक जब तक आप पेरेंट्स की बात सुनोगे नहीं तो आप उनके नीड्स को कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। राइट, तो यहाँ पे डिजायर्ड प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट क्या है, वेदांतु क्या देख रहा है कैंडिडेट में, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की नीड्स की यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, आप कंफर्टेबल होने चाहिए 6 days वर्किंग में। संडे आपको ऑफ मिलेगा क्योंकि संडे को पेरेंट्स फ्री रहते हैं, तो संडे को वेदांतु आपको ऑफ नहीं दे सकता। राइट, तो एंड यहाँ पे और भी है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में या हिंदी में। ठीक है, आपको देखना है यहाँ इंग्लिश ही बहुत ज़रूरी नहीं है, बट आपको देखना है कि आप दोनों अच्छे से बोल रहे हो। ठीक, इंग्लिश भी अच्छे से बोल रहे हो एंड रीजनल लैंग्वेज जो है, अगर हिंदी है तो हिंदी, अगर पंजाबी है तो पंजाबी, आप ढंग से बोल रहे हो, फ्लुएंटली बोल रहे हो एंड ऐसे बोल रहे हो कि आप कन्विंस कर सको स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को। ठीक है, तो ये वेदांतु का असली मोटिव है। ठीक है, कि आप बात कर पाओ। इंग्लिश यहाँ पे इतनी कंपलसरी नहीं है, मैं बैक एंड जानती हूँ। ठीक है, मैंने वेदांतु के बहुत सारे एकेडमिक काउंसलर से बात करी है, सो इट इज़ फाइन। अगर आपको हिंदी आती है और हिंदी आपको अच्छी आती है तो आप बात कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है एंड आप उनसे इंग्लिश में बात करोगे तो आपका फ़ायदा नहीं है, आपको उनसे रीजनल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, हिंदी पंजाबी जहाँ पे भी आप रह रहे हो। ठीक है, एंड वर्क फ्रॉम होम है ये, कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, आपको कहीं भी नहीं जाना। इंडिया के आप किसी भी कोने में बैठे हो आप वहाँ से काम कर सकते हो। वेदांतु आपको कभी नहीं बुलाएगा अपने ऑफिस। ठीक है, तो आपको घर बैठे बैठे कॉलिंग करनी होगी। ठीक है, अपडेट करना होगा, रोज़ कॉल करनी होगी, रोज़ अपडेट करने होंगे एंड ऑब्वियसली टारगेट मिलेंगे एज इट इज़ अ सेल्स जॉब। ठीक है, बट टारगेट से डरना नहीं है, अपने आप कॉन्फिडेंस रखो आप एंड आप अपने आप पे जब कॉन्फिडेंस रखोगे तो टारगेट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। राइट, यहाँ पे आप मैं बता देती हूँ एक्सपीरियंस मांगा है 1 to 6 years का मांगा है, बट अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर दो, क्योंकि यू मे नेवर नो आप की हिंदी या इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओ, तो डरना नहीं है क्योंकि इसमें आपका 0 पैसा जा रहा है, 0 रुपीज़ जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन भरने में क्या जाता है, रिजेक्ट ही तो हो गए, ठीक है। वैसे भी रिप्लाई आता नहीं है बहुत सारे रिक्रूटमेंट टीम से, बहुत सारे कंपनी से, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, एप्लीकेशन भर दो अगर आप फ्रेशर हो तब भी, ठीक है। बट अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। अगर आपको कॉल आता है, आपको मेल आता है, बेसिकली यहाँ पे कॉल आएगा जहाँ पे आपको HR जो है आपका बेसिक इंटरव्यू लेंगे आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो सैलरी अब मैं बता देती हूँ, इसका पैकेज है फिक्स्ड है ये, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं कटेगा, आपके बैंक में आएगा सीधा 33,000। तो बहुत अच्छी मेरे को ये लगी प्रोफाइल, इसलिए मैं आपको ला रही हूँ, ठीक है। एंड डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग है, मैथ साइंस BSc थी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर हर कोई अप्लाई कर दो फोक्स, यहाँ पर एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया ज़्यादा मत देखना, ठीक है। अप्लाई कर दो, आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, ना आपको पैसे देने हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना है, अपना अपडेटेड रिज्यूमे डालना है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। ये जो लिंक है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि वो लिंक खोलना है, लिंक खोलने के बाद ये आपको फॉर्म दिखेगा आपके सामने, ठीक है। वहाँ पर आपको नेम भरना है, email ID, कॉन्टैक्ट डिटेल, नंबर यहाँ पर भरना है, नंबर यहाँ पे भरना है, टोटल वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेशर हो आप, ठीक है। फ्रेशर हो तो फ्रेशर यहाँ पे लिख दो। डू यू हैव एक्सपीरियंस इन B2C सेल, बिजनेस टू कंज्यूमर वाली सेल अगर आपने करी है, ठीक है। नहीं करी तो नो कर दो। डू यू हैव अ पर्सनल लैपटॉप, यहाँ पे आपको येस ही करना है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप यहाँ येस कर दो। डू यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी एट होम, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है अच्छा सा कि नहीं, यहाँ पर भी आप येस करोगे। अगर नहीं है तभी आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। हैव यू एवर वर्कड विद और हैव बीन एसोसिएटेड विद वेदांतु, यहाँ पे नो कर देना अगर आप नहीं हो, ठीक है। इफ़ येस प्लीज़ शेयर योर प्रीवियस एम्प्लॉय ID अगर आपने ऑलरेडी काम किया है वेदांतु के साथ, ठीक है। लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, तो अगर आप हिंदी इंग्लिश में फ्लुएंट हो तो आप हिंदी इंग्लिश टिक कर दो। अगर आप बंगाली एंड मलयालम में फ्लुएंट हो तो आपका चॉइस है, आपका यहाँ प्रेफरेंस है, ठीक है। जो लैंग्वेज आपको आती है यहाँ पे आप भर दो। करंट कंपनी अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे NA भर देना, ठीक है। करंट डेजिग्नेशन अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पे NA भरना है। करंट CTC फिक्स्ड प्लस वेरिएबल यहाँ पे NA भरना है। एक्सपेक्टेड यहाँ पे NA नहीं भरना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 लाख, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 4 लाख का पैकेज आपका ऑफर हो रहा है, तो यहाँ पे 4 लाख ही भर देना, ठीक है। नोटिस पीरियड अगर आप फ्रेशर हो तो इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो एंड आप जॉब चेंज का देख रहे हो तो यहाँ पे आपको नोटिस पीरियड भरना पड़ेगा कि करंट कंपनी में आपको और कितने दिन काम करने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो एंड ऑफर लेटर मिल जाता है, ठीक है। करंट लोकेशन आपकी क्या है यहाँ पे आपको डालनी है। रीज़न फॉर जॉब चेंज अगर आप फ्रेशर हो तो NA डाल देना। ग्रेजुएशन में अगर इनमें से नहीं है, BTech BE BSc में नहीं है तो अदर डाल देना, ठीक है। सबमिट योर कवर लेटर और रिज्यूमे अपना अपडेटेड रिज्यूमे यहाँ पर डाल देना। एंड अपडेटेड रिज्यूमे आपको क्या करना है कि थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे अगर आप अपना रिज्यूमे अपडेट करोगे, जैसे कोई सर्टिफिकेशन करोगे टीचिंग का या सेल्स का, कन्विंसिंग स्किल का, तो बहुत अच्छा होगा। यूडेमी पे बहुत सारे कोर्सेज हैं एंड फ्री कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे, ठीक है। यूडेमी पे भी फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप वो सर्टिफिकेशन करके उस सर्टिफिकेशन का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, तो आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बुक्स ये एप्लीकेशन जल्दी से भर देना। एंड वेदांतु रेगुलरली इस प्रोफाइल की हायरिंग करता रहता है क्योंकि उन्हें भी उन लोगों की ज़रूरत है जो सेल्स ला पाएँ वेदांतु के लिए, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट डे, ये जल्दी से भर देना। एंड थैंक मी लेटर अगर वेदांतु में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आप कोई भी कमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कमेंट पे, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी फैमिली, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय फोक्स।